चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि त्वं वैष्णव। मां गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी। एक तरफ अविरल गंगा होगी और दूसरी तरफ निर्मल गंगा होगी। मैं तो प्राण दे दूंगी अगर गंगा पे मैं काम नहीं कर सकती। मुझे तो अविरल और निर्मल गंगा देनी ही है देशवासियों को। स्वामी निगमानंद जो इसी आश्रम से जुड़े थे, अवैध खनन के खिलाफ 2011 में उनकी मौत यहीं हरिद्वार में हो गई। 115 दिन के अनशन के बाद आश्रम का आरोप है कि उन्हें जहर देके मारा गया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तराखंड में। उसके बाद बाबा नागनाथ ने बनारस में 114 दिन का अनशन किया। 2014 में उनकी जान गई। आचार्य गोकुलानंद जिन्होंने स्वामी निगमानंद के साथ पहला अनशन 1998 में इस आश्रम की तरफ से किया था अवैध खनन के खिलाफ, उनकी हत्या हो गई नैनीताल में जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे। और फिर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने भी इसी को अपने छठे अनशन की स्थली चुना और उनकी जान चली गई। तो इस तरह से चार साधु अनशन करके और एक साधु की हत्या हुई, इतनी जाने जा चुकी हैं। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को निर्मल रहने दो, रहने दो, रहने दो। गंगा पे बड़े पास करो। हरिद्वार के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हरिद्वार के लोगों से अपील है, हरिद्वार के लोगों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके माँ गंगा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे संत है उनको समर्थन दे। गंगा को निर्मल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को निर्मल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल। ये भाई एक साधु बैठे हुए हैं अनशन पे, 144 दिन हो गए हैं। ये ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद है और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। आज 145 दिन से सिर्फ पानी और शहद पे, और इसके पहले एक मर चुके, उनका नाम था स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। वो पहले प्रोफेसर थे IIT कानपुर में, GD अग्रवाल के नाम से जाने जाते थे। तो ये कह रहे हैं गंगा पे बांध मत बनाओ और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। तो पहले वो मर गए और इनका भी देखो 145 दिन हो गया। आप कितने दिन जी? ये गंगा का जो ऊपरी हिस्सा है ना, भागीरथी, अलकनंदा और फिर गंगा पे भी, तो इनकी कई परियोजनाएं, करीब 54 परियोजनाएं हैं जो इस समय निर्माणाधीन है। गंगा का निर्माण के लिए कुछ है ना सर? बांध, बांध जो बना रहे, बांध का निर्माण करना चाह रहे हैं रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनका कहना है गंगा अगर बहेगी नहीं तो साफ नहीं रहेगी। गंगा अगर बहेगी सर, सरकार वैसे सुरक्षा के लिए कर रही है, अगर जैसे कि बांध नहीं, बांध का सुरक्षा से तो कोई लेना देना नहीं। बांध तो बिजली बनाने के लिए और सिंचाई के लिए बनाते हैं। दाम, 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 पर दाम, पर बांध अगर बना देंगे तो उसका पानी जो है रुक जाएगा, फिर गंगा की अपने को साफ करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं गंगा को अविरल और निर्मल बहने दो। ठीक है, यही मातृ सदन में है तो आप लोगों को मौका मिले तो आइए वहाँ आएंगे।
अभी जो है जिस तरह आज के टाइम में हिमालय में डैम बनाए जा रहे हैं और खनन जिस तरह करे जा रहे हैं, वन रोड प्रोजेक्ट के नाम पे वन कटान हो रहा है, और ख़ास करके जो डैम्स है जिसमें जो गंगा जी का जो गुण है, जो गंगा तत्व कहते हैं, वो डैम के बनने के बाद पूरा तरह नष्ट हो गया है। IIT कंसोर्टियम का भी रिपोर्ट में है कि जो बांध बनने के बाद जो है जैसे टिहरी डैम हुआ उसके बाद जो है 90% बैक्टीरिया जो है टिहरी डैम के पहले ही कस्टम खत्म हो गया डैम के चलते। तो अब जो बात है कि अविरलता ज़रूरी है लेकिन ध्यान सारा निर्मलता पर है, और निर्मलता पर जब ध्यान है तो केवल कंस्ट्रक्शन पर है, पैसा बनता है कंस्ट्रक्शन पर। वैसे भी अभी श्रीनगर में भी बांध बन गया है और अनेक बांध बनने जा रहे हैं, और जिस तरह मक डंपिंग हो रहा है, हजारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के नाम पे मक डंपिंग कर रहा है जिसके, और ये सब देखते हुए स्वामी सानंद जी जो है 22 जून 2018 सेंशन में बैठा। अनशन पे बैठने के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखे, अनशन के दौरान दो पत्र लिखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। और जब उनकी मौत हो गई पानी छोड़ने के बाद दो दिन बाद 11 अक्टूबर को, तो प्रधानमंत्री ने शोक संदेश ट्वीट किया। ये बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री को मालूम था कि प्रोफेसर GT अग्रवाल अनशन पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने पिछली सरकार की तरह उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि उनकी जान जाने दी। तो एक तरीके से इस सरकार ने उनकी जान ले ली। ₹20,000 से ऊपर करोड़ नमामि गंगे का है जिसमें से ₹7,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, इसका बड़ा हिस्सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में जा रहा है। तो ये जो सीवेज के पीछे भागने की नीति है और उस पर पैसा खर्च करने की नीति है, इससे फ़ायदा सिर्फ ठेकेदारों, नेताओं और नौकरशाहों को हो रहा है, नदी साफ नहीं हो रही है। नदी 2014 से अभी तक और गंदी हुई। जो सरकार में जो नेतागण हैं वो तो अलग अलग पूंजीपतियों की जेब में बैठे, और इसलिए वो संतों की बात नहीं सुन पाए। सरकार तो खाली जुमलेबाजी और शब्दों का खेल में है। गंगा जी के आगे में एक संस्कृत नाम रखा नमामि गंगे, उसे लोग समझ जाते कि हाँ नमामि इसका मतलब बहुत बड़ा काम है नमामि गंगे, और ये इसी नाम पे ये लोग बंदरगाह बना रहे हैं, शिपयार्ड्स बना रहे हैं। ये सरकार जो गंगा गाय के गीता के नाम पे जो आया और ये तीनों को नष्ट करने में लगा हुआ है, और ये लोग केवल कहने वाला है कि हमको गंगा चाहिए, गंगा मैया, केवल आरती करता है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है गंगा जी रहे या ना रहे। ये सरकार तो पूरा हिंदू की रक्षा करने का, ये लोग तो हिंदू को नाश करने का है, ये लोग अपना एजेंडा चलाना चाहता है कि हम ही किसी तरह हिंदू को जो पूरा हावी हो के हम अपना एजेंडा चलाएं, हम अपना धन कमाएं, बस इसी में लगा हुआ है।